अकबर दे शहर फतेहपुर सिकरी सर्दियां दे विच बहुत ठंडा हुंदा सी। एक बार राजे ने ऐलान किया कि जो भी कोई शाही महल दे बाहर ठंडी झील विच सारी रात खड़े रहने की हिम्मत करेगा उसनू 1000 सोने के सिक्के दिते जाणगे। कई दिनों तक अकबर कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार विच आया। अकबर गरीब नू देख के बहुत हैरान होया। वो बहुत कमज़ोर ते बीमार सी। अकबर ने पूछा, तुसी बहुत कमज़ोर ते बीमार हो, तुसी इस औखी चुनौती का सामना क्यों करना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे राजे मैं गरीब आदमी हाँ, मेरे छोटे बच्चे हैं जो भुखे हैं, मैनू पैसे की लोड़ है। अकबर मन गया। दो पहरेदार ब्राह्मण नू झील वल लै गए। ब्राह्मण अपने सारे कपड़े ला के पानी विच चला गया अते सारी रात बर्फ दे ठंडे पानी विच पहरेदारां दी निगरानी हेठ खड़ा रहा। अगली सवेर पहरेदार ब्राह्मण नू दरबार विच लै गए। ब्राह्मण दी बहादुरी देख के अकबर दंग रह गया। उसने पूछा कि तू सारी रात ठंडे पानी विच किवें रहा, की तुहानू ठंड नहीं लगती? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैनू बहुत ठंड महसूस हो रही सी, पर फिर महल दे बुरजां दे विच लगे दीवे देखे। मैं सारी रात उसनू देखिया अते उसने मैनू गर्म रखिया। जदों अकबर ने यह सुनिया तां उसने ब्राह्मण नू कहा कि देवियां ने तुहानू सारी रात गर्म रखिया है, यह धोखा है। तुसी अपना काम ईमानदारी नाल नहीं किता, तुहानू कोई सोना नहीं मिलेगा। अते उसने पहरेदारां नू हुक्म दिता कि ब्राह्मण नू अदालत विच्चों बाहर सुट दिओ। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान सी। वह जानदा सी कि राजे ने उस नाल बेइंसाफी कीती सी, पर राजे नाल बहस कौन करेगा। वह उदास होकर घर चला गया। जदों ये सब होया तां बीरबल दरबार विच हाजर सन। उसने सोचा कि राजे बहुत मनमानी कर रहे हैं, मैनू उन्हां नू सबक सिखाउणा चाहिदा है तां जो ब्राह्मण नू उसका सोना मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल ने अकबर को जाके सत्कार नाल मत्था टेकिया ते कहा, जहांपनाह, मैं अपने दोस्तों लई एक पार्टी रखी है। मैं तुहानू अते सारे मंत्रियों नू सद्दा देना चाहुंदा हाँ, किरपा करके अज रात दावत लई मेरे घर आओ। यह सुन के अकबर बहुत खुश होया। शाम नू अकबर ने सुनेहा भेजा कि वह आ रहा है, पर बीरबल ने सुनेहा भेजा कि खाना हले तैयार नहीं है, जदों तैयार होवेगा मैं खबर भेजांगा। जदों काफ़ी देर तक खबर ना मिली तो अकबर खुद अपने मंत्रियों के नाल बीरबल के घर पहुँचा, पर जदों उसने बीरबल नू वेड़े विच देखा तो हैरान रह गया। बीरबल उस दे कोल एक छोटी जिही अग लैके बैठा होया सी, जो घड़ा अग फड़न वाला सी। वह एक दरखत की टाणी उत्ते लटक रहा सी। अकबर ने बीरबल नू पुछया, तुहाडा की ख्याल है? बीरबल ने कहा, मैं साढ़े सारे लिए स्वाद की दलिया बना रहा हाँ। राजा उची उची हसया। उसने कहा, मूर्ख, तेरा की ख्याल है? अग गर्म दलिए तक पहुँच जाएगी, तू घड़ा उची टाणी ते रख दिता। बीरबल ने कहा, महाराज, अग दा सेक घड़े तक उसे तरह पहुँचता है जिमें महल दे बुरज विच दीव्यां दी गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुँचती है। अकबर ने हंसना बंद कर दिता। वह समझ गया कि बीरबल का मतलब है। अगले दिन उसने ब्राह्मण नू बुलाया अते वादे दे अनुसार उसनू 1000 सोने दे सिक्के दिते गए। ब्राह्मण ने बादशाह दा धन्नवाद कीता अते उसनू असीस दिती। अकबर ने बीरबल नू देखिया अते बीरबल मुस्कुराया। तुहानू ये कहानी किस तरह की लगी, कमेंट करके जरूर दसना अते चैनल नू सबसक्राइब करना ते लाइक अते शेयर भी करना, ता जो आने वाले टाइम दे विच होर भी कहानियां मैं आप लई लैके आउंदी रहां।